हेलो एंड वेलकम टू द डिस्कवर स्टडी। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट, जिसमें आज हम पंचायत का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें सारे चैप्टर्स शॉर्ट में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पंचायत का सेकेंड पार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 243C तक कर लिया था, तो कंटिन्यू करते हैं 243D से। इसमें बताया गया है रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की पंचायत के केस में। तो ये थ्रू आउट द स्टेट सेम होनी चाहिए, और जो ये सीट्स हैं ये रोटेशन के थ्रू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को पंचायत में मिलनी चाहिए। देखिए 1/3 सीट टोटल वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, और जो वुमेन की सीट्स हैं उसमें भी 1/3 SC एंड ST से आनी चाहिए। अब देखिए हर एक पंचायत के जो चेयरमैन है विलेज लेवल पे, वो रोटेशनल वाइज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन से और वुमेन की रिजर्वेशन से आएंगे। नेक्स्ट आता है 243E, जिसमें कहते हैं कि जो पंचायत है उसकी ड्यूरेशन होती है पहली मीटिंग के बाद 5 साल, और जो नई पंचायत है उसके लिए इलेक्शन आप पहली पंचायत के टर्म खत्म होने से पहले ही करा लें, और अगर पंचायत डिसॉल्व की गई है तो विद इन 6 मंथ्स आप करा सकते हैं। और अगर पंचायत डिसॉल्व होने के बाद जो दूसरी पंचायत आती है उसका पीरियड 6 महीने से ज़्यादा है तो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए सर्व करती है, और अगर 6 महीने से कम है तो हम नई पंचायत इलेक्ट करते हैं जिसकी पूरी टेन्योर होता है। अब 243F बताता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। इसमें जो मेंबरशिप की एज है वो है 21 ईयर्स, और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट के द्वारा लॉ बनाए जाने पर अगर कोई भी प्रोविजन पूरा नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन अथॉरिटी देगी? वो अथॉरिटी लेगी जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट लॉ के द्वारा बताएंगे। अब देखिए ये जो पंचायत है इसकी क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेल्फ गवर्निंग बॉडी के तरह एक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, और वो कैसे आएगी? जब हम कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे जिस पे हमारी अथॉरिटी होती है। तो जो प्लान्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस का, उसकी प्रिपरेशन ये पंचायत ही करती है, और वो सारी स्कीम्स जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ वो सारे मैटर्स जो 11 शेड्यूल के अंदर लिस्ट किए गए हैं वो सबका इम्प्लीमेंटेशन आता है पंचायत के अंदर। अब पंचायत के पास अथॉरिटी है जो कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ने ली दी है कि वो लेवी कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है और अप्रोप्रिएट ऐसे टैक्सेस ड्यूटीज टॉल्स और फीस जो कि लॉ में उनको पार दी गई है। अब स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को असाइन भी कर सकती है कुछ टैक्स ड्यूटीज टॉल्स या फीस जो कि लगाई और कलेक्ट की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उनको ग्रांट इन एड भी दे सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट के अंदर से, लेकिन ये जो ग्रांट वगैरह है ये लॉ में मेंशन होनी चाहिए, लॉ के जरिए ही दे इनको लीगल तरीके से। 243I बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो स्टेट गवर्नर होता है वो हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन बनाएंगे जो इस पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कर सके और रिकमेंड कर सके मेजर्स। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्टेट और पंचायत के बीच में क्या नेट प्रोसीड, यानी कि नेट प्रोसीड होता है टैक्स जितना भी हर सोर्स से आ रहा है माइनस उसके कलेक्शन का खर्चा, वो बताएंगे। उसके बाद कि क्या क्या टैक्सेस ड्यूटीज टॉल्स एंड फीस किस किस को असाइन की गई है, कैसे असाइन करनी चाहिए वो बताएंगे। ग्रांटेड एड कितनी देनी चाहिए वो बताएंगे। क्या ऐसे मेजर्स अपनाएं जिससे पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव हुए वो भी फाइनेंशियल कमीशन बताती है, और वो सारे मैटर जो कि गवर्नर फाइनेंस कमीशन को फर्दर रेफर करे, और इसका ग्राउंड होता है इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ द पंचायत। उसके लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉ के जरिए बताता है कि कैसी कंपोजिशन होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कैसे अपॉइंट करेंगे मेंबर्स को। अब जो फाइनेंस कमीशन ने जितनी भी रिकमेंडेशन दी गवर्नर को तो वो फर्दर स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं मानी तो एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी दिया जाता है। 243J बोलता है कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बताता है लॉ के जरिए कि कैसे अकाउंट्स हैं जो पंचायत के वो मेंटेन किए जाएंगे और कैसे उनकी ऑडिटिंग होगी। आर्टिकल 243K बताता है इलेक्शन कैसे होंगे पंचायत के। तो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल की जो पावर है पंचायत की वो आती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। तो जो सर्विस और टेन्योर है स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो गवर्नर डिटरमिन करते हैं, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इनको रिमूव किया जाता है उन्हीं
ग्राउंड पे और उसी तरीके से जैसे एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। और हाई कोर्ट के रिमूवल की मैंने अलग से वीडियो बना भी रखी है हाई कोर्ट वाले चैप्टर। इसको प्रॉपर स्टाफ भी कैसे अलॉट होगा वो भी गवर्नर बताएंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है कि कैसे पंचायत में इलेक्शन होंगे उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है 243L, जो कि कहते हैं कि ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये यूनियन टेरिटरी में भी एप्लीकेबल हैं। फिर 243M बोलता है कि सर्टेन एरियाज में ये पंचायत के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि शेड्यूल्ड एरियाज हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए, जो कि 244 के क्लॉज 2 के अंदर आते हैं। फिर नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के अंदर नहीं है ये। हिली एरिया ऑफ मणिपुर, जिसके लिए ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो सेम फंक्शन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट जिसमें दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ऑलरेडी है। और जो रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजन है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं लागू होते। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो ये सारे प्रोविजंस इन एरियाज में लागू कर सकती है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट की है वो एक रेजोल्यूशन पास करे मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ। और जो पार्लियामेंट है वो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया, जो कि क्लॉज 1 में मेंशन है, वो कुछ एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ वहां पे लागू करवा सकती हैं ये रूल्स। अब 243O बोलता है कि जो कोर्ट है वो कई मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे कि उस लॉ की वैलिडिटी जिसके अंदर डीलिमिटेशन हुआ हो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और इलेक्शन पंचायत के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्शन कंपटीशन के द्वारा ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पैसा एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 में। जैसे कि हमने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इन प्रोविजंस को एक्सटेंड कर सकते हैं शेड्यूल्ड एरिया में, तो उसके लिए उन्होंने पैसा एक्ट निकाला, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इन प्रोविजंस को एक्सटेंड करना शेड्यूल्ड एरियाज में, ताकि वो सेल्फ रूल कर सके, उनकी गवर्नेंस हो विलेज के हिसाब से, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क मिले और उनके जो ट्रेडिशन है उनको प्रिजर्व कर सके, और पंचायत के पास पावर हो कि वो ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो पैसा एक्ट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेशन है किसी भी शेड्यूल्ड एरिया का, वो उनके कस्टमरी लॉ, सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस के हिसाब से होता है। एक विलेज में एक हैबिटेशन, एक ग्रुप ऑफ हैबिटेशन, एक हैमलेट या ग्रुप ऑफ हैमलेट हो सकता है। बाकी नियरली सारे प्रोविजंस सेम पंचायत जैसे ही हैं, बट ये जो प्रोविजंस हैं ये बेस्ड होते हैं ट्रेडिशन और कस्टम पे लोगों की, यानी कि कल्चरल आइडेंटिटी और कम्युनिटी रिसोर्सेज, और साथ ही साथ कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी इसमें फॉलो होता है। शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया में जो रिजर्वेशन है वो 1/2 से कम नहीं होता। इनके पास पावर होती है कि माइनर वाटर बॉडीज पे ये प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कर सके उस एरिया में, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या फिर माइनिंग लीज दे सके माइनर मिनरल्स वाले एरिया को, शेड्यूल्ड एरिया को ग्रांट ऑफ कंसेशन दे सके माइनर मिनरल्स की एक्सप्लॉयटेशन के लिए या ऑक्शन के लिए। तो अब मैं एक बार 11 जो शेड्यूल है, जो 73rd अमेंडमेंट 1992 से ऐड हुआ था, उसमें कुछ कुछ चीजें लिस्ट कर देती हूँ जो कि जिसमें पंचायत को पावर है लॉ बनाने की और रेगुलेट करने की। तो ये टोटल 29 है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लैंड इम्प्रूवमेंट हो गया, माइनर इरिगेशन वगैरह हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खादी विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्क एंड फेयर्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन जैसे कि SC/ST, और सोशल वेलफेयर में हैंडीकैप्ड या फिर मेंटली रिटार्डेड लोग जो होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स एक्सेट्रा। तो ये थे पंचायत से रिलेटेड लॉस। इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे म्युनिसिपैलिटीज। तब तक के लिए थैंक यू।